नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई सिलेक्शन पोर, जिसका पुराना नाम था सरकारी नौकरी, मैंने फिर चेंज किया, अब इसका नाम है सरकारी भारत। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर GK और GS से रिलेटेड 5000 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5000 प्रश्न, वो भी ऐसे प्रश्न जो एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो लूसेंट, अरिहंत, राकेश यादव पब्लिकेशन, केरन और प्लेटफॉर्म की बुक से चुन चुन कर इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। सारी की सारी बुक्स का इनको निचोड़ बोल सकते हैं एक तरीके से। वो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर देने जाते हैं, SSC के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे CGL, 10+2, MTS, कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC GD का भी एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर टेट, CTET, UP TET, राजस्थान टेट, किसी भी टेट लेवल KBS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं GK और GS से रिलेटेड, तो आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलने की 99% संभावना है। 99% इनमें से क्वेश्चन आने की सियोरिटी है। आप इन क्वेश्चंस को याद करिएगा, याद आपको एक बार में नहीं होंगे, आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखना है। जैसे ही आप बार बार देखेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे मोटिव करने के लिए, मुझे आगे इसी प्रकार की और वीडियोज लाने के लिए, आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कमेंट पर पढ़कर ही मैं आगे की नेक्स्ट वीडियोस लाता रहता हूँ, जो आपकी खुद की तैयारी चल रही है आप उसे चलने दीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को बार बार कीजिए और आपको एग्जाम में बहुत सहायता देने वाले हैं। लूसेंट, अरिहंत, राकेश यादव पब्लिकेशन, केरन और प्लेटफॉर्म। आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पिछली वीडियो को, थर्ड पार्ट को, आज ये फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट को जहाँ पर कॉलिंग की वजह से वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आज वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहीं से, वहीं उन्हीं क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप चैनल पर अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जुड़ सके और मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़े आपके लिए लाता रहूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम उन्हीं नोट्स पर चलते हैं जहां से हमने कवर किया था। तो कवर करने के लिए हम पढ़ रहे थे 83 पार्ट को पढ़ रहे थे, और 83 में चले तो जहां हम पढ़ रहे थे वहीं पहुंचते हैं। जी हां, क्वेश्चन नंबर 33 तक हो चुके थे, तो 33 से अब आगे पढ़ते हैं। तो 34 क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान, अगर सतह की बात की जाए तो कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। सवाना की बात की जाए तो सवाना महाद्वीप, सवाना जो घास का मैदान है वो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी, कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, यानी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? अगर राष्ट्रपति चाहता है, सर्वोपरि कौन होता है देश के अंदर, भारत देश के अंदर सर्वोपरि कौन है? हम सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन भले ही कार्यभार किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले। हम ये देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहेगा तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को।
क्वेश्चन आ सकता है, इस समय राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, सर वेंकैया नायडू इस समय उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। कितनी? 80। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध काउंसिल, तो हम पहली बौद्ध, तीसरी बौद्ध काउंसिल की बात करें तो तीसरी बौद्ध काउंसिल मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, माफ़ कीजिए, इससे पिछली वीडियो में थर्ड पार्ट में। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। तो चौथी कब हुई थी बौद्ध काउंसिल, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 98 AD में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और 98 AD। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? पृथ्वी अपने कोण पर कितने कोण पर झुकी है? पृथ्वी अगर अपने कोण पर झुकी है तो कितने के कोण पर झुकी है? ये क्वेश्चन बहुत बार, कई बार पूछने को आया है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो इसका राइट आंसर है 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% यानी कि 21% है। कितनी है? 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया। दोस्तों मैं इस वजह से बोलता हूँ बार बार ताकि आपको भी याद हो जाए, या सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएँ। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिलने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1969 में हुई थी। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 1969 से, 1969। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना गौतम बुद्ध द्वारा क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? मैं आपको फिर बार एक बार रिपीट करता हूँ, तीसरी बौद्ध काउंसिल कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध काउंसिल है, आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, 250 BC में पाटलिपुत्र, 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। फिर मैंने बताया चौथी बौद्ध काउंसिल कब हुई थी, 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई। और प्रथम बौद्ध काउंसिल की बात की जाए दोस्तों, प्रथम बौद्ध काउंसिल की, तो 483 BC राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। 483 BC यानी कि संबत में राजगृह में हुई थी और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आवाहन एवं सत्रावसान करते हैं? किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान और सत्रावसान करते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान और सत्रावसान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं?
क्या राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? कर तो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? छोटे लेवल के एग्जाम में ये तो भैया पूछने को आएगा, आता है, रिपीट होता है बार बार। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों बाद भारत में जनगणना होती है, यानी कि अब कब होगी? 2021 में होगी। 2011 में जनगणना हुई थी भारत में और 2021 में अब फिर भारत में जनगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पुणे में। नेक्स्ट है, अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी कि 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, त्यौहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है। त्यौहार में नौका दौड़, ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? तो इसका राइट आंसर है ओणम। ओणम कहाँ? ओणम ये खेल त्यौहार है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। और इसमें क्या होती है? नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिम्का रेकाउर पुस्तक के अनुसार भारत का सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति कौन है? भारत का सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति, लिम्का रेकाउर पुस्तक के अनुसार भारत का सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति, सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति कौन है? डॉक्टर श्रीकांत जीचकर भारत का सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति है। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाला कौन है? तो भारत में निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। मतदान देने के लिए, वोट डालने के लिए किसी भी व्यक्ति की, महिला की या लड़की की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए भारत में मतदान करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 16वीं लोकसभा थी लेकिन अब बदलकर 17वीं लोकसभा हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो गया 17वीं लोकसभा। कौन सी? 17वीं लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय प्रकाश विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फिर एक बार बोलता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है आपके सामने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर है भारत को संविधान पूरा होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, दैट इज द बिग क्वेश्चन, किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की कक्षाओं की जो क्लास बुक्स हैं उनके पीछे एनसीईआरटी की बुक्स हों चाहे किसी भी स्कूल की बुक्स हों तो उनके पीछे आपने 11 या 10 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए देखे होंगे। तो वो कहाँ से लिए गए हैं, किसके संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ऐसी कौन सी धारा है संविधान में, कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन, इस समय राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। महबूबा मुफ्ती जी की सरकार को, पीडीपी की सरकार को बीजेपी ने समर्थन देना बंद कर दिया, जिसके बावजूद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो किस एक्ट के तहत, किस धारा के तहत, 356 धारा 356 के तहत, धारा 356 के तहत संविधान की धारा 370 के तहत राज्यपाल किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मालाबार तट कहाँ है, आंसर होता है केरल में। तो केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं, समुद्र किनारे जो बसा हुआ तट है उसे क्या कहते हैं, मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, जैंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर है फारसी की है। जैंद अवस्था धार्मिक पुस्तक है, किसकी है, फारसी की। जैंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, वाराणसी से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी भारत का निचले स्तर पर सबसे अंतिम बिंदु का पर स्थित है। नेक्स्ट है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। तो इसका राइट आंसर है चूना पत्थर का। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन रोक दिया था, स्थगित किया था। तो इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्थगित कर दिया था यानी रोक दिया था। नेक्स्ट है, मैटी मैकुनन फिनलैंड के इंजीनियर हैं। फिनलैंड के इंजीनियर जिनका जून 2015 में देहांत हुआ, वे मोबाइल फ़ोन की किस क्रांतिकारी सेवा के लिए जाने जाते हैं, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। मैटी मैकुनन फिनलैंड के इंजीनियर हैं जिनका जून 2015 में देहांत हुआ, वे मोबाइल फ़ोन की किस क्रांतिकारी सेवा के लिए जाने जाते हैं, तो संक्षिप्त संदेश प्रणाली SMS। पूछी जाती है SMS की हिंदी क्या है फुल फॉर्म में, तो संक्षिप्त संदेश प्रणाली SMS। तो भूलिए ना कभी भी मैटी मैकुनन को। नेक्स्ट है, श्रीलंका के झंडे पर क्या है, बब्बर शेर। राहुल गांधी जी का आपने वो भाषण तो सुना होगा कि उसके अंदर से निकलता है बब्बर शेर। तो श्रीलंका के झंडे पर
अंकित है क्या? बब्बर शेर, श्रीलंका के झंडे पर क्या अंकित है? बब्बर शेर। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का समानता का और सूचना का अधिकार दोनों ही मौलिक अधिकार हैं, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, यस बैंक के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यस बैंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? राणा कपूर। कौन है? राणा कपूर। नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी तिथि को विश्व योग दिवस घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व योग दिवस, योग दिवस के लिए हाल ही में, योग डे तो आपने मनाया ही था, योग दिवस तो आपने मनाया ही था हाल ही में, अब से लेके 15 या 20 दिन पहले ही मनाया था क्योंकि अब जुलाई चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व योग दिवस घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 21 जून को। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व योग दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व योग दिवस 21 जून को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार तो बुक्कर है। बुक्कर क्या है? विश्व का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। बुक्कर क्या है? विश्व का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। नेक्स्ट है, आलू किस भाग की उद्वृद्धि है? आलू किस भाग की उद्वृद्धि है? तो इसका राइट आंसर है तना। आलू तना की उद्वृद्धि है। नेक्स्ट है, टॉयलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि को में बनता है? टॉयलिन कहाँ बनता है? टॉयलिन नामक एंजाइम लार ग्रंथि में बनता है। कहाँ बनता है? लार ग्रंथि में। तो टॉयलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? लार ग्रंथि में बनता है। कहाँ? लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2015 में कौन से बैंक ने पहली बार पूर्णतया स्वचालित डिजिटल लॉकर स्मार्ट वॉल्ट का शुभारंभ किया? ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट है, CSIR द्वारा विकसित दृष्टि नामक स्वदेशी विमान पट्टी आकलन दृश्य प्रणाली हाल ही में किस हवाई अड्डे द्वारा लगाई गई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, पनडुब्बी के अंदर समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी के अंदर से समुद्र के भीतर की भूमि और दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? पेरिस्कोप। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। याद होना चाहिए, एक ही बार में रिपीट होना चाहिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। नेक्स्ट है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति को बनाया था। किसने? लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में। स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक दोनों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, ओलंपिन चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो 5 है इसका आंसर है। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? 5। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति बहुत पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है, बोईता वंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं? बोईता वंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं? उड़ीसा के।
नोयता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं? उड़ीसा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोयता बंदना और नुआखाई, बोयता बंदना और नुआखाई उड़ीसा राज्य के त्यौहार हैं। नेक्स्ट है, कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कीट पतंगे। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सचिवालय काठमांडू में। नेक्स्ट है, जल्लीकट त्यौहार जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रतिबंध जारी किया, वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट त्यौहार जो कि कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। किस खेल पर, हाँ, किस त्यौहार पर लगाया है? जल्लीकट त्यौहार पर। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी के जन्म के बारे में तो सबको पता है कि 1869 पोरबंदर में हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर को, लेकिन किसी को नहीं पता होता ये कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। कब? 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी? नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की थी। नेक्स्ट, पी चिदम्बरम, शरद पवार, सुशील कुमार शिंदे, राजनाथ सिंह में से कौन कभी केंद्रीय गृह मंत्री नहीं रहे? तो बात करें कि राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह तो इस बार भी गृह मंत्री रह चुके हैं, पी चिदम्बरम भी रह चुके हैं, सुशील कुमार शिंदे भी रह चुके हैं, लेकिन शरद पवार कभी भी नहीं रहे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, किसके कारण पोलियोमाइलिटिस, जिसको साधारणतया पोलियो होता है, किसके कारण होता है? ऐसी कौन सी बीमारी है, कैसा कौन सा वायरस है जिसके कारण पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियो का रोग हो जाता है? खास तौर पर संडे के दिन पोलियो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आज भी दवाई पिलाई जाती है पोलियो की। तो एंटेरोवायरस के कारण पोलियो का रोग होता है। किसके कारण? एंटेरोवायरस। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी क्षेत्र की सभी भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो राजा कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट है, भारत में मेट्रो पुरुष, दैट इज अ बिग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जे बी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। कब? 1916 में। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं?
मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला मंडल है जिसमें मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है। क्वेश्चन आ सकता है, देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है और गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च न्यायिकाय कौन सा है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा भारत की चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। बहुत पूछा जाता है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में ही नाथुला दर्रा है। सिक्किम जो कि चीन, नेपाल और भूटान की सीमा पर पड़ता है। नेक्स्ट है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र की स्थापना की शुरू किया। नेक्स्ट है, गहन पशुधन विकास परियोजना इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? गहन पशुधन विकास परियोजना इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, पशु प्लेग रिंडरपेस्ट का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है विषाणु। नेक्स्ट है, गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20 से 25 साल का। गाय का जीवन काल सामान्यतः 20 से 25 साल का होता है। नेक्स्ट है, मूगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम में। असम में मूगा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है मुख्यतः? असम में। नेक्स्ट है, पोलियो की दवा का आविष्कार कौन था? तो जोनास साल्क ने पोलियो की दवा का यानी वैक्सीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरुशिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरुशिखर। नेक्स्ट है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? अगर समुद्री सीमा की बात की जाए तो कनाडा की बड़ी है और स्थल सीमा की बात की जाए तो चीन की बड़ी है। चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है और कनाडा की समुद्री सीमा। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार जिसे पूर्व का पाकिस्तान कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्यात म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है?
मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है एपिकल्चर। एपिकल्चर मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर। नेक्स्ट है, पंत सम्राट किस फसल की प्रजाति है? पंत सम्राट किस फसल की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर है बैंगन। पंत सम्राट किस राज्य किस फसल की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर है बैंगन। पंत सम्राट बैंगन की फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट है, सुजाता क्रांति, सोनालिका और कंचन में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? सुजाता क्रांति, सोनालिका और कंचन कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो सुजाता। कौन सी? सुजाता। क्रांति, सोनालिका और कंचन तीनों की तीनों प्रजाति गेहूं की प्रजाति हैं। सुजाता नहीं है। कौन सी है? क्रांति, सोनालिका और कंचन। क्रांति, सोनालिका, कंचन। क्रांति, सोनालिका और कंचन तीनों की तीनों प्रजाति किसकी हैं? गेहूं की प्रजाति हैं। नेक्स्ट, जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? जाफराबादी भैंस कौन सी? जाफराबादी, जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। कौन सी? जाफराबादी, जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, यानी कि जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियाँ हैं? किस भारतीय राज्य की दो राजधानियाँ हैं? तो अलास्का, माफ़ कीजिए, जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियाँ हैं? जम्मू कश्मीर के। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से ख़रीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से ख़रीदा था? तो इसका राइट आंसर है अलास्का। अमेरिका ने अलास्का 1867 में रूस से ख़रीदा था। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है टेनिस से, टेबल टेनिस। हॉपमैन कप टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये सबको पता होगा, केशकत्व के कारण, कैपिलरी के कारण, केशकत्व के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, जिससे हम दिया वगैरह जलाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी तक पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर है विकिरण के कारण। विकिरण के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर गैस में, फिर द्रव, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है लिक्विड। ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? ठोस में, यानी कि लोहे में होती है। पौधे में क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पौधे में क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पत्तियों में। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल पाया भी कहाँ जाएगा पौधे के अंदर? पत्तियों के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का स्थान कहाँ है, संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है करनाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? करनाल में। कौन सा? करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? भूदान आंदोलन अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक
सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 86वां। कौन सा? 86वां। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5, अगर 23.5 की बात की जाए तो जो पृथ्वी है वो कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 के कोण पर झुकी हुई है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत पाक सीमा पुकारी जाती है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्र सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्र सभा के स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट है, संपत्ति सूची के में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में मतभेद होने की स्थिति में किसका कानून प्रभावी रहेगा? संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच में कानूनी कोई मतभेद होता है तो किसका कानून प्रभावी रहेगा? तो केंद्र का रहेगा। किसका? केंद्र का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था। किसके समकालीन थे चंदेल शासक? तो चंदेल शासक खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। उन्हीं पर फिर क्वेश्चन आया, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां एवं भित्ति चित्र मिलते हैं? यानी कि अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं उनके अंदर किसकी मूर्ति और किस धर्म की मूर्ति और भित्ति चित्र मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है हिंदू बौद्ध एवं जैन तीनों के संबंधित मूर्तियाँ एवं चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको बता दूं, टमाटर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है आलम आरा। भारत की पहली बोलती हुई
फिल्म थी, यानी कि इससे पहले जो फिल्म थी वो कैसी थी, उनमें आवाज़ नहीं आती थी, साउंड नहीं आती थी, ब्लैक एंड वाइट जो होती थी, जो आला आ रहा थी वो एक ऐसी पिक्चर थी, वो सबसे पहले उसमें आवाज़ आने स्टार्ट हुआ, हालांकि ये भी ब्लैक एंड वाइट ही थी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए भारत को, तो विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है भारत की। नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। नेक्स्ट है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणमन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया। नेक्स्ट है खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? और ये सबसे बड़ी भूल थी उस सम्राट की। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था जिसका नाम सलीम था, बाद में इसने जहांगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी ने अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि है। नेक्स्ट है वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपेगा? वित्त आयोग फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपनी सिफारिश किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? तो इसका राइट आंसर है 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक राज्य स्वामित्व का संस्थान कब बना? 1949 में। नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1961 में। गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था, यानी कि देश आज़ाद 1947 को हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया, लेकिन उसके भी 11 साल बाद गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। किस शासन से? पुर्तगाली शासन से गोवा आज़ाद हुआ। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ? किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार उड़ीसा के अधिकार किया? बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और उन्होंने अंग्रेजों ने बंगाल बिहार उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1764 में। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ?
रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। कब? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो इसका राइट आंसर है रंगून, बर्मा, यानी कि म्यांमार जिसका नाम है। बर्मा इसका पुराना नाम था और म्यांमार इसका अब नया नाम है। रंगून, बर्मा यानी कि म्यांमार में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया था और म्यांमार भेज दिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही तगड़े सवाल हैं ये सारे के सारे। दोस्तों आपको अब भी अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स पर, हज़ारों लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ जुड़ सके और देख सके कि पढ़ाई का स्तर किस तरीके से आसान है, जीके कितनी आसान है, याद हो जाएगी। बार बार रिपीट कीजिए वीडियोज़ को, बार बार देखिए, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, नहीं किया तो अब तक। चलो तो नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी के गुरुग्राम में। लुम्बिनी के गुरुग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में। नेक्स्ट है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो मैं बता दूं आपको, भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर है 24वें। पूछ लिया जाता है प्रथम कौन थे, प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो इसके प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रणब मुखर्जी से पहले जो कौन रही थी? प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? तो इसका राइट आंसर है महानदी पर, कटक महानदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 अक्षर होते हैं। बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, केवल बाइनरी में 2 ही अक्षर होते हैं, 0 और 1, जिसके आधार पर ही कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज को समझ पाता है। नेक्स्ट, लैन, LAN का विस्तार क्या है? LAN का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर है कुशीनगर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कहाँ है? नेपाल में है। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर खेल से, जो पेनल्टी कॉर्नर है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है?
अरब सागर है, यानी कि भारत के पश्चिमी वेस्ट में कौन सा आता है, अरब सागर आता है। कौन सा आता है, अरब सागर, पश्चिमी तट पर कौन सा है, अरब सागर है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है 1995 में। 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा की किससे संबंध, किसकी देन है, फ्रॉवेल की, फ्रॉवेल की देन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, एनसीईआरटी की स्थापना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है आपके सामने 1961 में। कब हुई, 1961, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, 1961 में। नेक्स्ट है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो इसका राइट आंसर है अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में नौ रत्न थे, अकबर के कौन थे, नौ रत्न थे, उनमें से तानसेन एक संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है, कौन चार वर्ष तक अकबर का संरक्षक था, तो इसका राइट आंसर है बैरम खां। बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, क्या था अकबर का, बैरम खां। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, पंडित रविशंकर का संबंध, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है, सितार से, किससे, सितार से। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई, किसने की थी, नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, भारत में अनाज सबसे ज़्यादा कौन सा खाया जाता है, चावल खाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अनाज कौन सा खाया जाता है, चावल। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस से संबंधित है, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस से किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है राजस्थान का माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहाँ ने बनवाई, और शाहजहाँ ने ही ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था, तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहाँ ने बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर अशोक चक्र, शांतिकाल का सर्वोच्च, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये बैक हो गया, फिर वापस रिपीट आया क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, महाचक्र प्रवर्तन कहलाता है। देह त्याग क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह को यानी घर को त्यागने का क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को,
थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 1526, 1556, 1767 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए। 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध पानीपत यानी कि हरियाणा में हुए। कहाँ पानीपत के युद्ध हुए, हरियाणा में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है। किससे, आंध्र प्रदेश से। हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो इसका राइट आंसर है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लगभग 172 क्वेश्चन, लगभग 170 क्वेश्चंस करा दिए हैं। पार्ट थर्ड था इससे पहले वाला, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बीच में कॉलिंग आ गई थी, तो इस वजह से मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। मात्र 33 क्वेश्चंस, तो दोनों को मिलाकर लगभग मैंने 200 क्वेश्चंस करा दिए। बात 5000 की है तो 5000 पर भी पहुँचेंगे, धीरे धीरे पहुँचेंगे। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, कम से कम 2 बार तो देखिए, आपको 2 बार में ये पूरी की पूरी वीडियो और 200 के 200 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को, मेरी मेहनत को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फिर मैं वापस बोलता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साथ दिया, आपने वीडियो को अंत तक देखा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से वीडियो चलाते रहेंगे, हर टाइप की वीडियो चलाते रहेंगे, तो साथ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।